रियासत की रूह ही अवाम की नुमाइंदे नुमाइंदों से होती है और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ रियासत की है यानी अवाम की है। जब जब हमने आइन से इनहराफ किया है हमारी रियासत को नुकसान पहुंचा है, हमारी ममलिकत को नुकसान पहुंचा। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पार्टी जिस काम के लिए मुतय्यन करेगी वो करूंगा, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी, तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है, पीडीएम ने जो मुल्क का हाल किया है वो किस मुँह से अवाम में जाएंगे। कौम को महंगाई बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे, नवाज शरीफ को सजा सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई, मुकदमात ही नहीं मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें, पार्टी उमूर और आम इंतखाबात के हवाले से तबादले ख्याल। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। रजाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत, मंगल से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। कहा, इंसदाद तजावुजात मुहिम में कोई नरमी नहीं होगी, 48 घंटे की मोहलत के बाद लाहौर में क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आना शुरू, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 850 से 750 रुपए कर दिया गया, रावलपिंडी का किराया 1350 रुपए से 1250 मुकर्रर, पिशावर का किराया 2400 से 2200 रुपए हो गया। कीमतों में कमी का इतलाक फौरी कर दिया गया। मस्नूई बारिश के मस्बत असरात, शहर में स्मोग में कमी, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले से 5वें नंबर पर आ गया। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मस्नूई बारिश के बाइस स्मोग में आइंदा 2 से 3 रोज तक कमी रहेगी। ठंड बढ़ते ही डेंगू मच्छर के हमले भी ठंडे पड़ने लगे, केसेस में कमी आने लगी। लाहौर में 24 घंटे के दौरान 10 नए मरीज रिपोर्ट, सुबह भर में 18 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवा साल लाहौर में डेंगू के 6948 कंफर्म मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 16 मरीज ज़ेर इलाज हैं। तोहीने इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल, साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फुल बेंच आज समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आलिया नीलम फुल बेंच की सरबराही करेंगी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस असद जावेद घराल बेंच में शामिल। गाँव में कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी अबू जबी से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम कैसर 2021 में रावलपिंडी में शहरी पर फायरिंग के बाद फरार हो गया था। पंजाब पुलिस ने इंटरपोल के जरिए इश्तहारी को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड परस गिरफ्तार इश्तहारियों की मजमू तादाद 146 हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए शहर के तमाम 9 जोन्स में अहम शहराओं की लिस्ट तैयार कर ली गई। रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया, 14 ट्रक और दीगर मशीनरी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। सीटीओ लाहौर माराथर का बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने पर 18,180 मुकदमा दर्ज, गाड़ियां थानों में बंद कर दी गई। बगैर लाइसेंस कार्ड ड्राइविंग पर 2,083 जबकि मोटरसाइकिल चलाने पर 16,211 मुकदमा दर्ज। माराथर का कहना है कि बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। Thank you.
लाहौर समेत सूबे भर में 24 घंटों के दौरान 3,01,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी, 2,36,000 से ज्यादा लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस हासिल किए। लर्निंग रेगुलर, तजदीद और इंटरनेशनल तमाम लाइसेंस शामिल हैं। छुट्टी के रोज़ भी ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर्स खुले हैं। नए ऑनलाइन सिस्टम के तहत शहरी घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपना लर्निंग लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी का सालाना इलेक्शन साहिबजादा सैफुररहमान ने जीत लिया। सैफुररहमान ने 1615 वोट हासिल किए। मुखालिफ उम्मीदवार शराज अल्ताफ को सिर्फ 192 वोट मिल सके। नौ मुंतखब सदर के हामियों का कामयाबी पर जश्न, ढोल की थापड़ भंगड़े। साहिबजादा सैफुररहमान ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मॉडल टाउन के रिहायशियों ने मुझे चौथी बार सदर मुंतखब किया। मॉडल टाउन सोसाइटी के बहुत से अधूरे काम मुकम्मल किए जाएंगे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने तकरीब से खिताब में कहा कि सैफुररहमान पर एतमाद है, लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मॉडल टाउन सोसाइटी इंसानों की बस्ती है, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। लाहौर सफारी पार्क को अपग्रेड करने का काम तेजी से जारी। निगरान वजीर आला पंजाब के हिदायत पर सफारी पार्क को बैन अल-अक़वामी तर्ज का बनाने के लिए 10 नवंबर को बंद किया गया था। सफारी जू के डायरेक्टर गुलाम रसूल का कहना है कि सफारी पार्क में डायनो वैली बनाई जा रही है, जिसमें रोबोटिक डायनासोर्स रखे जाएंगे। अखोत कॉलेज यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन की तकरीब, निगरान विफाकी वजीर मुमलिकत वसी शाह की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में चेयरमैन अखोत डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि मुशाहिदा स्कूल ऑफ होटल एंड टूरिज्म में चारों सूबों से बच्चों ने तालीम हासिल की। इदारे में तुलबा को निसाब के साथ साथ अच्छा इंसान बनने की तालीम दी जाती है। 2 साल डिप्लोमा मुकम्मल करने वाले तुलबा को सर्टिफिकेट दिए गए। मैंने